हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाजार। आज के इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा दो ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स जिससे आपका लैपटॉप कंप्यूटर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम करेगा तो आप इजीली घर पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपके पास बैकअप नहीं है। बैकअप का मतलब हो गया अगर UPS नहीं है, बैटरी नहीं है, अगर सडनली आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद पड़ जाता है तो आप लोग सब लोगों को पता है कि विंडो करप्ट हो जाता है। अगर डायरेक्टली बंद हो जाए तो विंडोज़ करप्ट हो जाते हैं, एप्लीकेशन करप्ट हो जाते हैं और आपका जब नेक्स्ट टाइम आप चालू करते हैं तो प्रॉब्लम करने लगता है। तो जो विंडोज़ है वो प्रॉब्लम करने लगता है और उसमें से अगर मान लो कोई फाइल है विंडोज़ का मिसिंग हो जाता है तो वो भी स्टार्ट करते टाइम प्रॉब्लम आता है। तो ये जितने प्रॉब्लम्स है जैसे DLL फाइल हैं जो डायरेक्ट शटडाउन होने से मिसिंग हो जाते हैं, तो वैसे में आपके लिए ये दो कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। उसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे जो पहला कमांड है SFC /scan now। प्रॉपरली टाइप करना है और एंटर कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने को थोड़ा टाइम लगता है तो इसे होने देते हैं। ये 100% होगा तो ये कंप्लीट होगा और दिखाएगा स्कैन करके कि आपका कंप्यूटर हेल्दी है या कोई फाइल करप्ट हो चुका है। अगर करप्ट हो चुका है तो यहाँ पे मैसेज आएगा, फिर दूसरा कमांड चलाएंगे, उस फाइल को रिकवर करेगा, रिपेयर करेगा। तो ये कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है तो आपको वेट करना पड़ता है। मैं वीडियो को स्किप करके आगे लेकर जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो किसी भी विंडोज़ का फाइल अगर करप्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है। तो ये 100% हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम दूसरा कमांड चलाएंगे तो ये हमारा बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। 85, 98, 100% होने के बाद हम एक दूसरा कमांड चलाएंगे तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा कमांड चलाएंगे तो आपको ये सेकेंड कमांड चलाना है DISM। ये पूरा कमांड मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग भी इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। ये कमांड चलाने से आपका जो करप्ट हुआ फाइल है बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। ये अब हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा कमांड चलाएंगे वापस जो पहला कमांड चलाए थे। वो कमांड चलाने के बाद हम स्कैन करेंगे और देखेंगे कि ये सक्सेसफुली सभी हमारा फाइल करप्ट जो हुआ था वो रिपेयर हो चुका है या नहीं। तो हम वही कमांड चलाएंगे SFC /scan now। ये कमांड हम चलाएंगे और स्कैन करके देखेंगे कि पूरा हमारा फाइल करप्ट जो हुआ था रिपेयर हो चुका है। एंटर करने के बाद ये वापस उतना ही टाइम लेगा, स्कैन करेगा और दिखाएगा कि सभी फाइल्स ओके हैं। जब सभी ओके हैं तो आप कंप्यूटर को रिबूट करेंगे और बिंदास आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चलने लगेगा। हंड्रेड परसेंट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो को स्किप किया गया है बीच बीच में ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए ये कंप्लीट होने वाला है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 97, 98, 100% ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और सभी फाइल ओके।